गोरखपुर बवाल मामले में पुलिस ने जारी किया उपद्रवियों का फोटो। पहचान बताने वालों को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पहचान बताने वालों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी। गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण ने चलाया अवैध निर्माणों पर बुलडोजर। ओएसडी गुंजा सिंह ने अवैध प्लांटिंग पर किया कार्रवाई। मोदी नगर और मुरादनगर में बड़ी कार्रवाई। मथुरा में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। बीएचयू में जारी है बवाल पथराव का सिलसिला। फिर आमने सामने आए छात्रों के दो गुट। मारपीट में कई स्टूडेंट्स घायल। कैंपस में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ के बक्तौरी खेड़ा गांव में इंजन में के पुली में लगा पहिया फटने से किसान की मौत। सुबह खेत में पानी लगाने पहुंचा था किसान, इंजन चलाने पर फटा पुली में लगा पहिया। मेरठ में खाद्य विभाग कार्यालय की छत पर लगी आग। छत पर रखे लकड़ी के सामान में लगी आग। आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। खाद्य विभाग का कार्यालय खाली कराया गया। आग लगने के कारणों की चल रही है जांच। अमरोहा में इथेनॉल से भरे कैप्सूल के केबिन में लगी आग। चालक क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। नेशनल हाईवे पर पहुंचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बड़ा हादसा डरा। पीलीभीत में अनियंत्रित कार घर में जा घुसी। कार से दबकर मासूम की मौत। दो अन्य घायल। आरोपी कार चालक के खिलाफ FIR दर्ज। कानपुर में कुशीनगर के बाबर जैसा मामला आया सामने। भाजपा का झंडा लगाने पर पड़ोसियों ने की पिटाई। शकील नाम के व्यक्ति ने पड़ोसियों पर लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेनी सीओ की पत्नी की मौत। सरकारी घर में बने कमरे में शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा के थाना फेस 2 में चेकिंग के दौरान चेन स्नेचिंग और मोबाइल लूट करने वाले दो बदमाशों के साथ पुलिस ने की मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह, एक बाइक जिंदा और खोखा कारतूस सहित लूटे हुए आधा दर्जन मोबाइल बरामद। नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों में जमकर मारपीट। यूनिवर्सिटी में कंसर्ट के दौरान छात्रों के बीच चले लात घूंसे और डंडे। चंदौली के बिलारी डी गांव में 50,000 का इनामिया दिनेश सोनकर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल। बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मथुरा में पास के दो युवकों ने देशी तमंचे से की फायरिंग। दोनों युवक फरार और कालिया बाइक पर थे सवार। आपसी विवाद के चलते दोनों ने की फायरिंग। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत। आगरा में सिरफिरे युवक ने युवती को मारी गोली। युवक ने घर में घुसकर युवती को मारी गोली। गंभीर हालत में युवती को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते में लोकार्पण की तैयारी। इक्कीस अप्रैल से कानपुर से कोलकाता की रोजाना की फ्लाइट शुरू होगी। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक जारी किया गया शेड्यूल। एटा से आगरा जा रही ट्रेन में बड़ा हादसा टला। टूटी ट्रेन पटरी देख महिला ने साड़ी की झंडी बनाकर रुकवाई ट्रेन।